गाइस, तो आज का चैनल, आज का वीडियो में मैं जो दिखाने वाला हूँ वो है यूजुअली प्रीमियर प्रो में जब हम लोग पिक्चर्स इंपोर्ट करते हैं तो वो यूजुअली स्क्रीन का जो साइज़ है उस साइज़ के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, वो सीक्वेंस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। तो एक विंडो डिस्प्ले होता है कि उसमें दिखाया जाता है कि सीक्वेंस सेटिंग्स अप्रोप्रिएट नहीं है, उसको चेंज किया जा सकता है, अगर करना चाहे तो हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर वो डिस्प्ले आना बंद हो जाए और इमेजेस जो है वो स्क्रीन के हिसाब से टाइमलाइन में इंपोर्ट ना हो, वो डिस्प्ले कुछ बड़ा आ जाए, मतलब जूम करके डिस्प्ले हो, तो इस इशू को कैसे फिक्स किया जाता है तो मैं वही दिखाने वाला हूँ। तो मैं ऐसे एग्जाम्पल के लिए एक प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेता हूँ, ब्राउज़ करके लोकेशन सिलेक्ट कर लेता हूँ, वीडियोज़ में आके ऐसे ही एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ। न्यू फोल्डर में टेस्ट शॉर्ट्स टेस्ट नाम दे देता हूँ इसका। तो इस फोल्डर को सिलेक्ट कर लिया मैंने। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नाम इसका जी कुछ दे देता हूँ। सीक्वेंस सेटिंग्स यहाँ पे जो है उसको ऐसे रहने देते हैं। फिर यहाँ से मैं इमेजेस इंपोर्ट करता हूँ। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इमेजेस ऑलरेडी लिया हुआ है, तो मैं इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ ये वाला। अब देखिए जैसे मैंने इसको इंपोर्ट किया, अब मैं इसको टाइमलाइन पे ला रहा हूँ तो इमेज जूम करके देख रहा है, इमेजेस जूम है। यहाँ पे जो नॉर्मल फ्रेम रेट है यहाँ पे ऐसा नहीं है, नॉर्मल फ्रेम का जो साइज़ है यहाँ पे उस हिसाब से थोड़ा बड़ा नज़र आ रहा है। तो इसको कैसे ठीक किया जाता है, तो इसके लिए आप लोग यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए और फिर यहाँ पे इफेक्ट कंट्रोल टैब में आइए, यहाँ से मोशन पे आइए, फिर यहाँ से आप लोग साइज डिसाइड कर सकते हैं, उस हिसाब से आप लोग साइज एडजस्ट कीजिए। जैसे देखिए अब ये स्क्रीन के हिसाब से परफेक्टली फिट हो गया, पहले जो ये प्रॉब्लम था अब ये सॉल्व हो गया है, अभी एक अच्छा टाइमलेस बन चुका है। अब आप इसमें फर्दर ऑडियो इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो मैं इस वीडियो में कवर नहीं करने वाला। इस वीडियो में मैं बस ये दिखाने वाला था कि अगर स्क्रीन के हिसाब से पिक्चर ना आए तो उसको कैसे फिक्स किया जा सकता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप सब लोगों को पसंद आया है, आप लोग कुछ सीख पाएंगे। तो मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड कुछ बोलना है तो कमेंट सेक्शन में बोलिए।